गाइस बॉस अप, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बांग्लादेशी चिकन पुलाव रेसिपी। यू कैन ऑल्सो से दिस इज ईद स्पेशल रेसिपी, सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड बने रहो मेरे साथ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बासमती राइस या तो गोविंदभोग चावल। इसको हमने पानी पर सोक करके रखा था फॉर हाफ एन आवर। अभी यहाँ पर है तमाम चीज़ें, जैसे कि हो गया अनियन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, होल गरम मसाला, ग्रीन चिलीज़ एंड अदरक का पेस्ट। चिकन चाहिए हमें, यहाँ पर मैं देसी चिकन यानी कि कंट्री चिकन यूज़ कर रही हूँ। अभी ये ग्लास की मैंने 3 कप चावल लिया है। सॉल्ट फॉर टेस्ट, ऑयल यूज़ करूँगी वाइट ऑयल, देसी घी होममेड देसी घी, केवड़ा वाटर अगर नहीं है तो गुलाब जल। पैन गरम हो चुका है हमारा, अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसमें बे लीफ जाता है और गरम मसाला। अभी धीरे धीरे हम तमाम चीज़ों को डालेंगे। हाफ प्याज के पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और अदरक के पेस्ट भी गया। स्टर कीजिए, अभी चिकन गया इसके अंदर। कोई भी मसाला नहीं चाहिए हमें यह पुलाव बनाने के लिए, बहुत लाइट बनती है। सॉल्ट एज यू नो टेस्ट अनुसार, ग्रीन चिलीज़। अभी थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे चिकन को भूनने के लिए अच्छे से। चिकन को हमने 90% कुक करना है, ओके। अभी इसको हम 10 मिनट्स के लिए कवर अप करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा चिकन थोड़ा सा टेंडर हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी इसको हम कवर करके साइड में रखेंगे और दूसरा वाला फ्रेश पैन लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी देसी होममेड प्योर घी 1 टेबल स्पून और इसमें जाता है और एक बे लीफ, प्याज के स्लाइसेस, गार्लिक के स्लाइसेस और अदरक के स्लाइसेस या तो पेस्ट। चावल को डाल दिया हमने, अच्छे से भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक आपका चावल लाइट ना हो जाए, लाइट वेट ना हो जाए। कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, यू कैन सी द कलर। और अभी हम ये चिकन को डालेंगे इस चावल के अंदर। तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग ये है इसकी लुक। अभी सेम ग्लास में हम डबल पानी इसमें ऐड करेंगे यानी कि 6 कप्स ऑफ वाटर। जिस पैन में हमने ऐड किया था चिकन, वही चिकन की पैन में हमने डाला हुआ है पानी और 2 हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा चीनी जाएगा इसके अंदर, बस थोड़ा सा, और केवड़ा वाटर, दैट्स इट। अब कवर करेंगे और इसको मीडियम हीट में पकने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट तक ये पकेगा और आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी। अभी इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे, बीच में थोड़ा सा आपको चम्मच चलाना है। फिर से कवर करेंगे और गैस को करेंगे बिल्कुल सिमर पे। कुछ टाइम के बाद मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। इसको फिर से हम स्टर करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें घी और थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड किया है और इसको सर्व कर देंगे। दैट्स इट, रेडी है हमारा बांग्लादेशी चिकन पुलाव ईद स्पेशल रेसिपी। अभी देखो आप, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है हमारा चावल, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।